आज हम करेंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सरसाइज कौन सी 1.5 भाई। एक्सरसाइज 1.5 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? फर्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है कि क्लासिफाई द फ्लोइंग नंबर एज द रैशनल और द इरैशनल नंबर। देखो क्लासिफाइड करना है कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या करना है, रैशनल और इरैशनल नंबर को क्लासिफाइड करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे? अब देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भाई, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है, फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है टू माइनस रूट फाइव है, रूट फाइव है। हाँ भाई रूट फाइव। देखो भाई इसको कैसे क्लासीफाइड करेंगे। अब हमें पता है जो टू क्या है, टू एक रैशनल नंबर है और ये क्या है, ये एक इरैशनल नंबर। ठीक है, अब अगर हम टू में से रैशनल नंबर में से इरैशनल माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक इरैशनल नंबर। क्या मिलेगा भाई, एक इरैशनल नंबर, क्योंकि हमें पता है जो इरैशनल नंबर होते हैं वह क्या होते हैं, वो नॉन टर्मिनेट होते हैं। नॉन टर्मिनेट और एंड नॉन रिपीट। ठीक है, नॉन रिपीटिंग। अगर हम रैशनल नंबर है कोई, उसमें से इरैशनल नंबर माइनस कर रहे हैं, कौन सा, नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग, तो हमें क्या मिलेगा, इरैशनल नंबर मिलेगा, वो भी क्या होगा, एक नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या है, फर्स्ट का आंसर है इरैशनल नंबर। तो ये क्या है, एक इरैशनल नंबर है। लिखने का तरीका क्या करोगे, ऐसे ही डाल दिया, डालने के बाद क्या, देखो भाई स्टार्टिंग में ऐसे राइट डाउन कैसे करोगे, इसके बाद ये क्या है, एक रैशनल नंबर माइनस क्या, इरैशनल नंबर। ठीक है, तो क्या मिलेगा अपने को, इरैशनल नंबर ही मिलेगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, इरैशनल। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन भाई, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा उसने कि क्या भाई, सेकंड क्वेश्चन में 3 + √23 माइनस कितना, √23। ठीक है, यहाँ से सोल्व करोगे, 3 है ऐसा का ऐसा, ब्रैकेट ओपन कर लो भाई। ठीक है, माइनस कितना, √23, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, या हमें क्या बचा, 3, और 3 क्या एक रैशनल नंबर, 3 क्या एक रैशनल नंबर भाई। ठीक है, वो क्या एक रैशनल नंबर। अब फोर्थ देखो भाई, थर्ड इसका में क्या है, थर्ड है भाई 2√7/7/√7। ठीक है, तो 2√7/2√7, यहां से क्या करोगे, इससे ये कैंसिल हो गया, और यहां से कितना, 2√7। अब 2√7 क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि किसकी टर्म है, p/q की टर्म है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है भाई 1/√2, 1/√2, 1/, ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर, ये क्या है, एक इरैशनल नंबर है। अगर किसी रैशनल नंबर को इरैशनल से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, एक इरैशनल नंबर ही मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, इरैशनल नंबर भाई। लास्ट क्या है, लास्ट है, ठीक है, लास्ट है 2π। अब पाई हमें पता है, पाई हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। अगर इरेशनल नंबर की किसी से मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी रेशनल नंबर से, तो क्या होएगा, वो होएगा भाई इरेशनल, वो क्या होएगा, एक इरेशनल। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे ये सारे के सारे क्या हो गए, कोई रेशनल नंबर बन रहा है, कोई इरेशनल नंबर बन रहा है। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में उतार सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है सिंप्लीफाई द ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन को क्या करना है भाई, सिंप्लीफाई करना, इजी है भाई, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा बताता हूँ क्या है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड ही करते हैं, साथ में सब जो पता लिखा हुआ ना, साथ ही साथ बताता रहूँ। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करना ना इनको, तो क्या है 3 + √3, ठीक है, इनटू क्या है 2 + √2, 2 + √2। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो इसको लेट कर लेते हैं, ये 1
और ये क्या है, टू है, ये थ्री है, और ये क्या है, फोर। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, फर्स्ट की मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है, फिर फर्स्ट की मल्टीप्लाई किसके साथ, इसके साथ, ठीक है, फिर किसकी, सेकंड की मल्टीप्लाई इसके साथ, और फिर सेकंड की मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, देखो कैसे किया कि फर्स्ट है जो थ्री है, थ्री की मल्टीप्लाई ए वाली ब्रैकेट क्या है, टू प्लस रूट टू, इस तरह से कर दिया। और ये वाला जो सेकंड टर्म है, इसकी भी इस ब्रैकेट के साथ, प्लस का निशान तो प्लस का लगाओ, रूट थ्री इंटू टू प्लस रूट टू। ठीक है, वही ये देखो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट की मल्टीप्लाई थर्ड के साथ, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो फर्स्ट की मल्टीप्लाई इसके साथ, देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं, तो क्या बना, सिक्स, क्या बना भाई सिक्स, फिर इसकी इसके साथ कर रहे हैं, ये क्या बनेगा, ये बनेगा थ्री रूट टू। ठीक है, अब देखो मैं इसकी जब इसके साथ की, प्लस का निशान ऐसा कैसा, थ्री की इसके साथ करी तो रूट टू थ्री, और प्लस में कितना, इसकी इसके साथ करनी, अब इसकी इसके साथ करनी है तो कितना, रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट टू। ठीक है, अब देखते हैं भाई ये कैसे करके है, क्योंकि ये रूट वाले में हमेशा ही कन्फ्यूज़न होती है भाई, रूट वाले में क्या होती है भाई, कन्फ्यूज़न होती है। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो मान लेते हैं कि मेरे को क्या करना है, जो ये रूट टू है, ठीक है, रूट टू है, इसका कोफिशिएंट देखो भाई, इसको मैं लेट कर लेता हूँ, ये क्या है, एक एक्स है, क्या है, रूट टू इक्वल टू एक्स, ठीक है, रूट टू इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है भाई, वन, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, वन है। अगर मैं इसकी किसी से भी मल्टीप्लाई करूँ, मान लेते तीन थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, तो थ्री की तो किसके साथ, इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगी, तो ये कितना होगा, वन इंटू थ्री, और क्या है, एक्स है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू तो अपनी क्या थी, रूट टू थी, तो यहाँ से ये आ गया। ठीक है, या तो आप इसको लेट करके कर लो, या फिर इजी क्या है कि मान लेते कोई भी रूट वाली टर्म है, जैसे क्या है, ये टू है, या मान लेते थ्री है, इसका कोफिशेंट देखो भाई, कोफिशेंट इसका क्या है, यहाँ पे वन है, तो वन की सिंपली कर दो, अगर किसी से मल्टीप्लाई करनी, मैंने थ्री से करनी है, तो थ्री क्या होगा, थ्री रूट थ्री, इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, एक होता है एडिशन वाला, ठीक है, ये क्या होता है, एडिशन। अब एडिशन कैसे करना है, देखो भाई मान लेते हैं कि इसकी ऐड करना है इसमें रूट थ्री, ठीक है, क्या ऐड करना है भाई, रूट थ्री, रूट टू में रूट थ्री ऐड करना है, क्या करेंगे, देखो भाई ये लिख देंगे रूट फाइव, क्या लिख दिया भाई, रूट फाइव, ये क्या है भाई, ये रॉन्ग है भाई, गलत है। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि मान लेते हैं ये क्या है, ये एप्पल है, और ये क्या है, ये तो भाई थ्री एप्पल, ठीक है, ये मान लेते हैं एप्पल है, और ये क्या है, ये बनानास है, ठीक है, बी से बनानास, ए से एप्पल, बी से बनाना, तो आप क्या बोलोगे कि दो एप्पल है भाई, दो एप्पल है और थ्री बनाना है, ठीक है, तो आप ऐसे कह दोगे ये कितने है? ये फाइव बनाना हो गए, फाइव क्या हो गए, बनाना हो गए, या फिर कह दिया फाइव एप्पल हो गए, ऐसा तो कभी नहीं होता भाई, क्योंकि जो सेम चीज़ें होती हैं वो सेम चीज़ों में जुड़ती हैं। ठीक है, मीन सेम थिंग किस में ऐड होगी, सेम थिंग के अंदर, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कि अगर हम इनका एडिशन कर रहे तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टू एप्पल और थ्री बनाना, ठीक है, इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, तो आप कभी भी ऐसा रोंग मत करना भाई, क्या, तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा कि रूट टू प्लस कितना, रूट थ्री। ठीक है, अब अगर मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करनी, ठीक है, अब इसकी करनी है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे तो इसको कॉमन ले लो भाई, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि ये रूट टू भी अंदर है और रूट थ्री, ना सॉरी, टू भी अंदर है और थ्री भी अंदर है, तो टू मल्टीप्लाई थ्री तो कितना हो जाएगा, रूट सिक्स, तो क्या हो गया भाई, रूट सिक्स। अगर तो ये तो डिफरेंट थे, अगर सेम हो, मान लेते हैं यहाँ पे कितना है, रूट फाइव है, और यहाँ पे भी कितना है, रूट फाइव, तो अब ऐड करना है भाई, अब एडिशन होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इनके बेस के आपस में सेम है, इक्वल है, इक्वल है, तो इसका कोफिशेंट भी कितना है, वन है, और इसका कोफिशेंट भी कितना है, वन है, तो वन और वन कितना हुआ भाई, टू, तो रूट टू, सॉरी टू रूट फाइव, ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, इस तरह से अपने को क्या करना है, एडिशन करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, अब देखो भाई,
अगर मान लेते हैं कितना हो, यहाँ पे 2√7 है और मल्टीप्लाई करनी किसकी, 3√6 की, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इनकी तो अलग और इन दोनों की अलग, तो इस चीज की करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और मल्टीप्लाई 7√6, रूट वालों की अलग से कर दोगे तो 6 मल्टीप्लाई कितना, 7 और 2, ठीक है। तो ये कितना आंसर आ गया, ये आ गया √6√42, ठीक है। अब देखो भाई, अब क्वेश्चन पे चलते हैं क्योंकि तो हमने एडिशन वगैरह सीख लिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे क्या हुआ कि यहाँ से हमने कर लिया सॉल्व। अब देखो ये तो 6 ऐसा का ऐसा, अब देखना यहाँ पे बेस क्या इक्वल है और एडिशन का निशान है, बेस इक्वल नहीं है तो इनको ऐसा का ऐसा लिख दो भाई। ये कितना 3√2 + कितना 2√3 + इन इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो √6 ही होगा आंसर भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट। अब चलते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा उसने, सेकंड क्वेश्चन में कहा कि 3 + √3 और 3 - √3। सेकंड क्वेश्चन में देखो 3 + √3 * 3 - √3 वही है भाई। एक बार इसकी इस पूरी ब्रैकेट के साथ तो क्या है, 3 3 - √3 और प्लस का निशान ऐसा कैसा, √3 3 - √3 भाई। अब देखो इसकी इसके साथ 9, फिर इसकी इसके साथ -3√3, ठीक है। अब इसकी इसके साथ करोगे तो प्लस, क्योंकि प्लस का साइन है, 3√3 और इसकी इसके साथ निशान किस चीज़ का, माइनस का, √3 × √3। अब देखो ये कितना 9 ऐसे का ऐसे, ये माइनस का ये पॉजिटिव है, सेम वैल्यू है, कैंसिल होगी 0 आ जाएगा, और इसकी इससे करोगे तो माइनस का √9। अब देखो 9 - √9 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √9 परफेक्ट स्क्वेयर होता है किसका, 3 का। तो यहाँ पे कितना आया, 3 आ गया, तो इसके आंसर में कितना आएगा भाई, आंसर आएगा इसका 6 भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में ऐसे का ऐसा उतारना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आया कि 2√5 + √2 का स्क्वेयर भाई, ठीक है। √5 + √2 का स्क्वेयर, स्क्वेयर का मतलब क्या, मान लेते हैं हम सो 2 का स्क्वेयर करते हैं तो कितना लिखते हैं, 4। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 × 2 कितना, 4। इसकी मतलब क्या कि 2 की कितने बार मल्टीप्लाई है, 2 बार भाई। तो इसका भी क्या मतलब होगा, इसका भी सेम होगा, क्या आएगा कि √5 + √2, ठीक है, √5 + √2, ठीक है। देखो भाई इसमें कैसे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो क्योंकि फर्स्ट की इस पूरी ब्रैकेट के साथ √5, तो √5 + √2 * अब किस चीज़ का, क्योंकि ये प्लस वाला है तो + √2 और कितना, √5 + √2। अब देखो भाई इसके इसके साथ तो रूट कितना, 25, ठीक है। फिर इसकी इसके साथ प्लस का निशान ऐसा कैसा, इसकी इसके साथ करोगे तो कितना, √10, ठीक है। फिर इसकी इसके साथ +√10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि अंदर वाले के साथ कर सकते हैं, हमने किया था, ठीक है। उसके बाद 2 की इसके साथ तो रूट कितना, √4। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 5 का होता है प्लस, अब देखो इसका कोफिशेंट भी 1 है, इसका कोफिशेंट भी 1 है, दोनों के बेस क्या है, इक्वल है, इक्वल है तो ऐड कर दो भाई, कितना हो जाएगा, √2 10, ठीक है। प्लस ये कितना होता है, 2 का होता है, 5 और 2 कितना हो गया, 7, 7 + √2 10 भाई, ये होगा आपका आंसर भाई, ठीक है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है भाई इसका, वो आप लोगों को करना है क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन करवा देंगे ना फिर मजा नहीं आता। अगर आपको डाउट आता है तो आप फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो भाई मेरे को,
कि सर मैं हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया और आप इसका सोल्यूशन करवा दो भाई, तो मैं उसका सोल्यूशन करवाऊंगा भाई, ठीक है। फिर इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, थ्री क्वेश्चन। क्वेश्चन में उसने कहा कि रिकॉल करना है कि पाई इज द डेफिनेट एज द रेशो ऑफ द सरकमफेरेंस सी, जो उसको सी बोल रहे हैं, और सर्कल टू द डायमीटर ऑफ डी, तो दैट इज पाई इक्वल टू सी बाई डी। अब देखो भाई ये उतार लिया क्वेश्चन, उतारने के बाद देखो भैया, ये देखो थर्ड क्वेश्चन में उसने बोला मान लेते हैं सर्कल, ये क्या है सर्कल है, ठीक है, इसकी सरकमफेरेंस ठीक है वो कितनी है सी है, सरकमफेरेंस मान ली सी, और ये क्या होता है इसका डायामीटर, ये क्या होता है डायामीटर, ठीक है, डायामीटर डी से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये डायामीटर क्या होता है, टू आर होता है, क्या होता है टू, ठीक है। अब देखो इसने क्वेश्चन में कहा कि पाई क्या है, रेशो है किसकी, सी अपॉन डी, सी अपॉन डी, बस तो इसी में कन्फ्यूजन आ जाएगी भाई क्या है ये सी अपॉन डी कैसे किया। देखो भाई सरगम फेरेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है सी किसके इक्वल होता है टू पाई आर, ठीक है, यहाँ से पाई बाहर निकाल लो भाई और क्या है मल्टीप्लाई टू आर, ठीक है, तो पाई इक्वल टू टू आर क्या होता है डी, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया डी कर दिया, ये क्या सी, तो यहाँ से पाई मल्टीप्लाई डी इक्वल टू सी, तो यहाँ से पाई किसके इक्वल होगी, पाई तो सी अपॉन डी, तो यही उसने कहा है क्वेश्चन में कि जो पाई है वो किसके इक्वल है, सी अपॉन डी के इक्वल है, ठीक है, तो सी अपॉन डी के इक्वल है तो डेफिनेट है भाई, क्योंकि इसको मेजर कर लिया उसने, ये वाला सरकमफेरेंस इसको मेजर कर लिया और डायमीटर इसको मेजर कर लिया। मेजर करने के बाद उसने क्या कहा कि सीम टू बी कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट पाई इज द इरेशनल, तो हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, भाई कैसे रिजोल्व करोगे कि हमें पता है पाई क्या है। देखो भाई आंसर में क्या लिखोगे, उसने तो कह दिया कि पाई क्या है इरेशनल नंबर, ठीक है, पाई क्या है इरेशनल नंबर है, अगर पाई इरेशनल नंबर है इसका मतलब सी अपॉन डी, ठीक है, सी अपॉन डी आइदर सी इरेशनल हो सकता है या फिर आइदर क्या डी हो सकता है, आइदर सी या फिर डी तो क्या हो सकता है इरेशनल नंबर, अगर वो इरेशनल नंबर है तो पाई क्या एक होगा एक इरेशनल नंबर, क्योंकि अगर सी मान लेते हैं रैशनल नंबर, अगर सी रैशनल नंबर है तो डी क्या होगा अपना इरेशनल नंबर, क्योंकि डी क्या डायामीटर, डायामीटर किसी का भी मान के कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो नहीं है, अगर क्या मान लेते हैं जो डी है, डी अपना क्या है रैशनल नंबर, तो सी क्या होएगा भाई ई रैशनल नंबर, कि अगर किसी भी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ई रैशनल नंबर से, ठीक है, तो हमेशा क्या आएगा भाई हमारा ई रैशनल नंबर आएगा, या फिर आप डिवाइड करते हो तब भी क्या आएगा भाई ई रैशनल नंबर आएगा, ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्ट हमने कर दिया प्रूफ, बस सोल्व ही करना था कि इसमें क्या होगा, आंसर में लिखोगे आइदर आइदर सी और डी इज टू बी इरेशनल नंबर, ठीक है, ये आंसर में लिखना भाई आपको, यहाँ करने के बाद ये वाला आंसर लिखना है, ठीक है। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर में, क्वेश्चन नंबर फोर में कहा कि उसने हमें नंबर लाइन के ऊपर भाई 9.3 या पता नहीं 9.8 है, देखते हैं भाई कितना है, ठीक है, क्या फोर्थ क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 9.3 हमें नंबर लाइन पे क्या करना है, 3 पर चेक करना है। देखो यहाँ तक ए से बी लेट कर लेते हैं कितना है 9.3 है। कितना है भाई ये अपनी लंबाई कितनी है भाई 9.3, ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, ठीक है भाई, उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं कि यहाँ तक सी तक ये वाली हमने क्या ले ली 1 यूनिट ले ली, ठीक है, 1 यूनिट के बाद ए सी का हमने क्या कर दिया मिड पॉइंट निकाल दिया, क्या निकाल दिया मिड पॉइंट निकालने के बाद यहाँ पे सेंटर ओ आ गया था, यहाँ से हमने क्या किया ओ को सेंटर मान के सी तक का कंपास लेके एक सेमी सर्कल क्या कर लिया ड्रॉ कर लिया,
जब हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद बी के बी पे ए सी का जो बी से क्रॉसिंग होता है एक परपेंडिकुलर लिया, जब परपेंडिकुलर लिया तो ये डी पे क्रॉस कर गया, क्या कर गया, डी पे क्रॉस कर गया। डी पे क्रॉस करने के बाद यहाँ से इतना कंपास लिया, यहाँ तक इतना ओपन करने के बाद एक और आर्क लगा दिया, ये आर्क कट कर गई भी ई पे। जब ये ई आर्क कट करके ई पे तो यहाँ तक कितना होगा भाई 9.3, तो ये से यहाँ तक कितना भाई 9.3 है, √9.3 भाई। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया कंप्लीट भाई। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में उसने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपको वर्डिंग में लिखना है भाई, ठीक है, कैसे कैसे हमने स्टेप वाइज स्टेप की, क्या हमने क्या किया, फर्स्ट हमने क्या लिया, फिर उसके बाद क्या किया, इस तरह से आपको राइट डाउन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में करना है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्लोइंग, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, कोई भी टर्म है, जैसे मान लेते हैं ये फ्रैक्शन की टर्म है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 3 है, तो आप क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 3 से क्या करोगे डिवाइड करोगे, और ऊपर कितना हो जाएगा भाई, ये 6 हो गया और ये कितना होगा 9, ये क्या होता है ना रैशनलाइजेशन, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई टर्म है, ये है 7, 7 अपॉन कितना 2 + 3, अब इसको कैसे करना है, जो ये निशाने ना इसको अलग करना है भाई, देखो 2 - 3 और 2 - 3, इस तरह से रैशनलाइज करना है, ये हमने मल्टीप्लाई करनी सीख ली है भाई। अब क्वेश्चन में देखो भाई कैसे करेंगे लोग, कि फर्स्ट क्या है इसके भाई 2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है भाई, और क्या करना है साथ में मेरे को बता देना, क्वेश्चन नंबर डाल देना, मैं उसको सोल्व करवा देंगे भाई क्वेश्चन को। देखो भाई 2 क्वेश्चन करते हैं, पहले करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या है 1/√7, ठीक है, सिंपली रैशनलाइज करना, तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है, जब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो तो क्या लिखोगे 1√7, तो √7 मल्टीप्लाई √7, ठीक है, ऊपर वाले के ऊपर वाले से √7, और यहाँ पे कितना आएगा 7, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर में, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इजी है, थर्ड क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, या फिर सेकंड सेकंड कर लेते हैं क्योंकि माइनस वाला है ना वो। देखो 1/ कितना √7 माइनस में √6, रैशनलाइज कर रहे हो, फर्स्ट तो स्टेटमेंट लिखोगे, स्टेटमेंट लिखने के बाद जब रैशनलाइज करें ना तो 1 - √6 आपको क्या करना है, इसके जो डोनोमिनेटर है उसके साइन को क्या करना है, चेंज करना है, मीन्स क्या √7 + कितना √6, और यहाँ पे √7 + √6, ठीक है। अब देखो यहाँ से √7 + √6 मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसकी इसके साथ √7 - √6 और √7 + √6 मल्टीप्लाई करनी अभी सीखी थी भाई, तो √7 + √6 मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ √7 + √6 और कितना, फिर कितना है -√6 है √7 और √6, ठीक है। अब देखो ये इतना आ गया, आगे क्या ये वाला कि ऊपर तो ऐसा कैसा √7 और √6, फिर 7 की 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो √, ठीक है, उसके बाद इसकी इससे कर रहे हो प्लस 42, ठीक है, फिर माइनस की इससे कर रहे हो -√42, और फिर कितना माइनस की इससे कर रहे हो तो माइनस का √36, ठीक है। अब देखोगे ये वाले कैंसिल हो गए, यहाँ से √7 √6, इसकी वैल्यू कितनी होती है 7 होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6, ठीक है, तो √7 + √6 तो ये कितना बच गया 1, तो यहाँ पे आंसर कितना √7 + √6 ये होगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखो भाई ये क्वेश्चन कर लिया, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन
रूट फाइव प्लस रूट टू, ठीक है, रूट फाइव रूट टू। इसका आंसर देखो भाई ईजी है, क्योंकि ये वाली टर्म नेगेटिव में जाएगी, वो वहाँ पे पॉजिटिव आया था ना, तो ये नेगेटिव में। कितना? रूट फाइव माइनस रूट टू डिवाइड बाय फाइव, में से टू को माइनस कर दो भाई, कितना आएगा? थ्री। ये इसका आंसर होगा। तो ट्रिक से किया है भाई, बट आपका ट्रिक से नहीं आएगा, आपको पूरा निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? देखो वही है, रैशनलाइज करना, रूट फाइव प्लस रूट टू, ठीक है, मल्टीप्लाई रूट फाइव माइनस रूट टू, ठीक है, और कितना? माइनस रूट टू। अब देखो ऊपर वाले के ऊपर वाले से कितना, रूट फाइव माइनस रूट टू डिवाइड अपन रूट फाइव प्लस रूट टू, और रूट फाइव माइनस रूट टू। देखो भाई लेट कर लेता हूँ इसको, ए रूट टू को कर लिया बी, तो ये भी क्या है? ए है, और ये क्या है? बी। ये यहाँ पे प्लस है और ये यहाँ पे माइनस है, तो एक आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ये आइडेंटिटी हम निकालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे वो बताएंगे आगे। तो ए माइनस, तो ये क्या होता है? ए का स्क्वेयर माइनस बी की टू, ठीक है। तो यहाँ पे लगाओ रूट फाइव माइनस रूट टू, ए ए की वैल्यू क्या है? रूट फाइव है, तो रूट फाइव का स्क्वेयर माइनस रूट टू का भी स्क्वेयर, यहाँ से रूट फाइव माइनस रूट टू, इसका स्क्वेयर करोगे तो फाइव, और इसका का स्क्वेयर करोगे तो टू भाई, तो रूट फाइव माइनस रूट टू डिवाइड अपन, तो ये हो गया अपना आंसर भाई। तो यहाँ पे हम अपनी एक्सरसाइज कौन सी भाई 1.5 को कंप्लीट करते हैं। हम मैंने इसमें दो तीन क्वेश्चन छोड़ दिए, वो आप लोगों के लिए भी, ठीक है, तो आप लोगों को करना है ये। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में भाई प्लीज़ कमेंट करें भाई, ठीक है, कमेंट करें, मुझे क्वेश्चन नंबर बताएं भाई, किस एक्सरसाइज का किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है भाई, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको क्वेश्चन का आंसर दूंगा भी या सोल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भाई।